और इम्पोर्टेंट बातें नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ये स्टोरी आप लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हैं और आप अपने शायद आपके साथ घटना हुई भी हो। एक बार दो दोस्त होते हैं यहाँ पे, किसी ने आके बहुत अपनी जो आर्मी वाले उन्होंने अपनी तकलीफ वाली चीजें बताई थी। दो लाइफ में दोस्त होते हैं, एक का नाम होता राम, एक का नाम था श्याम। आप उसमें से एक का नाम दिवांग पकड़ लो या एक का नाम अपने किसी लोग को पकड़ लो। तो एक होता राम और एक होता श्याम। राम श्याम ना दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे वो आर्मी ऑफिसर कर रहा था, बहुत सारी चीजें करते हैं, सक्सेस नहीं मिलता तो बहुत परेशान रहते हैं। तो आपस में डिस्कस करते थे क्या करें क्या नहीं करें क्या करें। तो उसमें से राम बोलता है उसको कि एक काम करते हैं श्याम, क्यों ना हम एक भैंस खरीद ले। तो बोलते भैंस खरीद ले। श्याम बोलते भैंस खरीद करेंगे क्या, श्याम समझो आप दिवांग सर है, तो भैंस खरीद करेंगे। तो राम बोलते भैंस लेंगे, दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, धीरे धीरे दो की चार भैंसों की, छह भैंसों की, हम ऐसे करते करते अपना डेयरी फार्म खोलेंगे। श्याम बोलते बढ़िया आइडिया। ये दोनों आइडिया डिसाइड करके निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसे राम रोड पे चल रहा होता है, राम रोड पे चल रहा होता है, शाम आता है बाजू में से उसकी एक मर्सिडीज में आकर रुकता है, शीशा नीचे करता है और उसको बुलाता है, राम गाड़ी में आ जा। राम झुक के देखता है, हैरान होता है कि शाम के पास गाड़ी मर्सिडीज, वो बैठता है, बेचैनी होती है मन में। तो बोलता है क्या कर रहा है, बोलता है घर चलता। तो क्या कर रहा है, बोलता है मैं कुछ नहीं ऐसी, तो चल घर चलते। शाम उसको अपने घर ले जाता है, घर एक बड़ा सा बंगला होता है, रिमोट से दरवाजा खोलता है, अंदर जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, काफी सारे अंदर उसके यहाँ पे वेटर बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है उसको घर में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं। तो उसको पूछता है, शाम पूछता है राम कुछ खाएगा, बोलता है हाँ भूख तो बहुत लगी है कुछ खाएगा। लेकिन राम के दिमाग में ये दिमाग में चीजें आ रही कि ये तो मेरे से सा फक्कड़ था, क्या बोलते फक्कड़ बोलते क्या बोलते वही हाँ समझ गया मेरे ऐसा फक्कड़ था, इसके बाद चीजें कैसे आ गई। तो शाम बोलते तो खाना खाते, खाना के मस्त टेबल पे लगा होता है, खाना खाते रहते हैं, लेकिन दिमाग में राम के वही चल रहा है कि इसके पास कैसे है। बेचैनी से ना उसको पूछता है, भाई शाम ये सब बता, ये सब तेरे पास कैसे आया। तो दिमाग जो शाम होता बोलता है कैसे आया, मतलब तूने जो आइडिया दिया था मुझे। बोलता मैंने कौन सा आइडिया दिया, बोलता तूने आइडिया दिया ना कि भैंस लेंगे, दूध निकालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और दूध बेचेंगे और भैंस लेंगे, आज करते करते आज मेरा खुद का डेयरी फार्म है, देख मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। तो बोलता कि तेरा पता तेरा क्या हुआ। राम बोलता आइडिया अच्छा था ना। हाँ शाम बोलता बहुत अच्छा आइडिया था। राम बोलता ये आइडिया लेके ना मैं घर पे गया आप लोगों के साथ, या आपके साथ वाले लोगों के साथ ना ये बहुत होता होगा। राम बोलता है ये आइडिया लेके मैं अपने घर पे गया, मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे एक ही चीज पूछा कि अगर भैंस मर गई तो